कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट, जिसके पास इंडोनेशिया में माइंस है और भारत में अपना रिफाइनरी है और अफ्रीका में माइंस है। बुलियन का सबसे बड़ा काम वो करता है। ज्वेलरी एक्सपोर्ट का तनिक से भी ज़्यादा बड़ा काम उसका है, मगर उसका शेयर नहीं चल रहा है। एक बार 1000 तक गया था, 1000 से फिर मान लीजिए वो अभी 500-550 इसी के आसपास घूम रहा है। लगातार 3 साल से वो साइडवेज में ही जा रहा है राजेश एक्सपोर्ट। अगर कोई गोल्ड ज्वेलरी बुलियन से है तो ये कंपनी को जरूर जानता होगा, क्योंकि होलसेल में बुलियन प्रोवाइड करवाना, सिल्वर प्रोवाइड करवाना या माइंस लगाना, ये कंपनी बहुत काम करती है इसमें। मगर देखिए, उसके सामने सेनको गोल्ड कुछ भी नहीं है। सिर्फ सेनको गोल्ड तो क्या करता है, अपना इन्हीं लोगों से गोल्ड खरीद के ज्वेलरी बना के मार्केट में बेचता है। तो सेनको गोल्ड का प्राइस राजेश एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, जबकि सेनको गोल्ड एक्सपोर्ट करता होगा। एक्सपोर्ट में क्या है, गवर्नमेंट का बेनिफिट मिलता है, आप लोग जानते हैं, गवर्नमेंट का बहुत सारा चीज़ मिलता है, सब्सिडीज मिलता है, गोल्ड पे अलग मिलता है, सिल्वर पे अलग मिलता है, तो फ़ायदा एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा वही उठाता है राजेश एक्सपोर्ट। तो कभी भी आप लोग गोल्ड और ज्वेलरी पे एनालिसिस करें, अगर कोई स्टूडेंट होगा जो हमारी बात सुन रहा होगा या बुलियन इंडस्ट्री पे उसको एनालिसिस करना है, तो ये कंपनी पे जरूर एनालिसिस कीजिए, राजेश गोल्ड पे। राजेश गोल्ड पे अगर आप लोग पूरा स्ट्रक्चर समझ जाएंगे तो गोल्ड का 50% बिजनेस होलसेल का बिजनेस आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो लोग क्या पढ़ाई नहीं करते ना, पढ़ाई से दूर भागते हैं और चाहते हैं कोई उनके लिए पढ़ दे, तो भैया जब आपके लिए कोई पढ़ेगा तो अपना टाइम लेगा ना, फीस लेगा, क्योंकि उसको तो आप पढ़ने के लिए भी आपको खाना चाहिए, लाइट चाहिए, इंटरनेट चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसके बाद आपका खर्चा। ये सेफ्टी जो है, रिसर्च करना एक ऐसा चीज़ है जो पीछे जब तक आपके कोई स्पॉन्सर ना हो आप रिसर्च नहीं कर सकते। खुद का पैसा लगा के आप रिसर्च कीजिएगा, खाने को मोहताज हो जाइएगा, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो राजेश एक्सपोर्ट देखिए काम अच्छा करता है, मगर शेयर में ग्रोथ नहीं है। उसके अगेंस्ट देखिए सेनको गोल्ड, पीसी ज्वेलर्स, ये लोग उसके आगे भाग दे रहे हैं। तो बहुत बार मार्केट में ऐसा होता है, बहुत सी कंपनियां इस तरीके से आपको काम करेंगी, नज़र आएंगी, मगर आपको खोज के रखना है कि कौन कौन इस इंडस्ट्री में कौन कौन सा आदमी है जो टॉप का है, उसका एक्टिविटीज टॉप का है, क्योंकि कब वो ऊपर आ जाए किसी को नहीं पता। ये थोड़ा